कुर्सियां भी कई हैं और बच्चे भी कई हैं। तो आप क्या करें, ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए चेयर, या इसको आप अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर बोले, एक बच्चा एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो बच्चे कई हैं, कुर्सियां भी कई हैं, मगर एक कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ये आप बता रहे। मगर यहाँ पे क्या होता है कि एक हॉल में सिर्फ एक ही बच्चा है, ओनली वन, और कुर्सी भी सिर्फ एक है, ओनली वन। इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज द वर्ड द हियर। अब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, वो चीज चाहे कितनी ही मामूली और गैर अहम रहने दो, द थिंग विच इज वेरी अनकॉमन, वेरी कॉमन एंड सिंपल, बट इट एग्जिस्ट ओनली वन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कॉमन है, उसमें कोई खास बात नहीं है, मगर वो जगह पे वो सिर्फ एक है, ओनली वन, देन वी कैन यूज द वर्ड द। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्या करना है, कुछ लिखना है, तो मैं पूछना है पेन, तो मैं एक टाइम पे एक ही पेन से लिख सकता हूँ, एक से ज्यादा नहीं लिख सकता। तो मेरे को पेन की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा गिव मी अ पेन। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके पास पेन है, सो आई नीड सिर्फ एक पेन, तो आई आस्क गिव मी अ पेन, मेरे को एक पेन की जरूरत है। अब मैं, यू सी दिस वन इज डस्टर, दिस वन ओनली वन इन दिस रूम, ये हमारे रूम में सिर्फ एक है, मेरे को डस्टर की जरूरत है, तो मैं गिव मी अ डस्टर नहीं बोलूंगा, गिव मी द डस्टर का इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज इट्स ओनली वन। अभी हमारे पास आने का एक ही दरवाजा है, वी हैव ओनली अ सिंगल डोर। अब फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आ रहे जा रहे, उससे हमारी क्लास को डिस्टर्ब हो रहा, तो आई कैन से क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, मैं क्लोज अ डोर नहीं बोलूंगा, बट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अब ये फैन वर्क कर रहा, इससे हवा तेज आ रही, ये मान के चलो ये गर्मियों का सीजन, ये सर्दी का सीजन है, ये फैन की तरफ से बच्चों को और मेरे को सर्दी फील हो, तो मैं क्या करूँगा, ये फैन बंद कर दो बोला, बट आई हैव टू से क्लोज द फैन, क्लोज द फैन।